सेना आज यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन कर रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में एकदम से जो है पूरा उलटफेर हो गया राजनीति में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुनीश जी। मुनीश जी, किस तरह से आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और क्या आप भी शपथ ग्रहण समारोह में जाने की तैयारी? बिल्कुल जाएंगे जी। हम ये कहना चाहता हूँ, वही शायरा अंदाज के अंदर, जिस अंदाज के अंदर हमारे संजय रावत साहब बात करते आए हैं और बीजेपी को उन्होंने बिल्कुल धूल चटा दी है कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं और नेक होते हैं उनकी नीयत, उनको मंजिलें हमेशा मिलती है। और शिवसेना ने ये साबित कर दिखाया महाराष्ट्र के अंदर कि बीजेपी की तमाम चालों को निरस्त करते हुए महाराष्ट्र के अंदर हमारी शिवसेना की ठाकरे सरकार बनने जा रही है। आज जो माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे के जो वचन दिया था कि एक दिन मैं शिव सैनिक को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो सपना साकार हो चुका है, वो वचन साकार हो चुका है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय तमाम घटक दलों के साथ मैं हमारे हाईकमान के नेता माननीय संजय रावत साहब को देता हूं, अनिल देसाई साहब, अरविंद सावंत साहब, एकनाथ शिंदे साहब और तमाम विधानसभा के विधायक। शिवसेना ने तो हमेशा कड़े शब्दों में आलोचना किया, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो आतंकवाद हो, लेकिन अब आपकी एसोसिएशन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस कई बार नरम पड़ जाती है पाकिस्तान के मुद्दे पर, या फिर आतंकवादियों को जी करके बुलाती है, साहब करके बुलाती है, तो क्या अगर महाराष्ट्र में भी इस तरह की बात होगी तो क्या शिवसेना वहां पर भी अपना कठोर पूरा अपना जो है रिएक्शन देगी? बिल्कुल रिएक्शन देगी। शिवसेना हमेशा हिंदुत्व पे कायम रही है, राष्ट्रीय प्रेम हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, था, है और रहेगा। कोई पार्टी इसको क्रॉस नहीं कर सकती हमारी बॉर्डर लाइन को, ये पूर्ण रूप से क्लियर है। और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर इन चीजों पर जरूर विचार किया गया होगा। चलिए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके ऊपर काफी सारी चीजों के पे विचार किया होगा, लेकिन सिर्फ देखना यह है कि कहीं जम्मू कश्मीर वाला हाल ना हो। यहाँ पर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था बीजेपी और पीडीपी के बीच में, लेकिन बीजेपी पीडीपी के आगे जो है डाउन हो गई थी जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं शिवसेना का वो हाल ना हो महाराष्ट्र में, देखते हैं। जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।